वेलकम फ्रेंड्स आज हम लोग जानेंगे नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी के बारे में जिसको कि लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने तो ये जो नोवेल है ये जे एस एस सी के एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल प्रूव हो सकता है आपके लिए अगर आपने उनमें से किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है कई सारे एग्ज़ाम्स का सिलेबस जो है वो कुछ ऐसा है कि जिसमें सेम टॉपिक्स हैं सेम नावल्स पोएम्स प्लेज एक्सेट्रा हैं और आई हैव जस्ट बिगिन द कोर्स उनमें से एक है ये द ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नस्ट हेमिंगवे अ डिटेल्ड समरी तो लेट्स बिगिन द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ क्लासिक नॉवल आर रिटर्न बाय अर्नस हेमिंगवे एंड पब्लिश्ड इन नाइनटीन सेट इन द कोस्टल फिशिंग विलेज ऑफ कोजीमार क्यूबा द स्टोरी फॉलोज द लाइफ ऑफ एन एजिंग फिशरमैन नेम्ड सेंटियागो तो ये जो नॉवेला है यानी शॉर्ट नावल नॉवेला यानी शॉर्ट नावल इसको लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने अर्नेस्ट हेमिंगवे एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन राइटर और जर्नलिस्ट थे और इस नॉवेल को उन्होंने पब्लिश किया 1952 में ये जो नॉवेल है इसका सेटिंग है कोस्टल फिशिंग विलेज ऑफ कोजीमार क्यूबा क्यूबा जो है वो एक आइलैंड कंट्री है इन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टीनेंट आपको पता ही है कि वर्ल्ड को सात कॉन्टिनेंट्स में बांटा गया है लाइक अफ्रीका एशिया नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अंटार्क्टिका तो उनमें से नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में क्यूबा नाम का एक आइलैंड कंट्री है और उस कंट्री में एक डिस्ट्रिक्ट है एक विलेज है जो कि कोस्टल विलेज है यानी समुद्र किनारे बसा हुआ एक गांव है जिसका नाम है कोजीमार यही इस नॉवल का सेटिंग है द स्टोरी फॉलोज द लाइफ ऑफ एन एजिंग फ़िशरमैन नेम सेंटिया और इस नॉबेला का जो सेंट्रल कैरेक्टर है प्रोटैगनिस्ट है वो है सेंटिया यागो एक पुअर फिशरमैन है जो काफ़ी उम्र दराज हो चुका है और वो फेस करता है एटी फोर डेज स्ट्रीक ऑफ बैड लक विदाउट कैचिंग एनी फिश काफ़ी अनलकी पर्सन है क्योंकि एटी फोर डेज़ तक इस फिशरमैन को एक भी फिश नहीं मिला

मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सक्सेस ह्यूमन स्पिरिट स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर तो क्योंकि एक फ़िशरमैन का लाइफ काफ़ी हद तक नेचर के ऊपर डिपेंडेंट होता है जैसे कि एक किसान का लाइफ काफ़ी हद तक रेनफॉल यानी नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है उसी तरह फिशरमैन के साथ भी है इसी डिपेंडेंसी अपॉन नेचर को का uh, का भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है एंड द एसेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस वट इज़ द एसेंस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस मानव जीवन में संघर्ष लगातार चलते रहता है जीवन संघर्ष का ही नाम है तो इस नोवेला में भी ये दिखाया गया है कि कैसे सैंटियागो नाम का पुअर फिशरमैन डिस्पाइट सेटबैक्स बहुत सारे मुश्किलों के बावजूद होपफुल रहता है हार्ड वर्किंग है और काफ़ी विल पावर है उसके अंदर और इन सब चीज़ों से जूझते हुए वो कैसे कुछ अचीव करता है तो अब इस नोवेल को पार्ट बाय पार्ट रखा गया है जिससे कि बेहतरीन तरीके से आपको ये नोवेल समझ में आए कि कैसे कैसे क्या क्या होता है सबसे पहले बात करते हैं सेंटियागो के कैरेक्टर के बारे में और बैकग्राउंड जो कि इस नोवेल का है द नोवेला ओपन्स बाई इंट्रोड्यूसिंग सेंटियागो अ वीदर्ड एंड इम्पोवरिश्ड ओल्ड फिशरमैन वीदर्ड तो आपको पता ही है आपने जोग्रफी में पढ़ा होगा ज़रूर कि वीदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इंटू स्मॉलर पीसेस तो यहाँ पे सैंटिया को जो कैरेक्टर है वो ओल्ड है पुअर है डिपेंडेंट अपॉन नेचर है अनलकी है तो इन सब कारणों की वजह से वो अंदर से टूट चुका है एंड इम्पोअरिश्ड काफ़ी काफ़ी पुअर वेरी वेरी पुअर ओल्ड फिशरमैन हु लिव्स इन अ स्मॉल हम्बल शैक नियर द सी तो वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता है समुद्र किनारे और डिस्पाइट हिज प्रोलोंग लैक ऑफ सक्सेस इन कैचिंग फिश जबकि लंबे समय से उसको कोई सक्सेस अचीव नहीं हुआ फिश पकड़ने में सैंटियागो रिमेन्स रेस्पेक्टेड इन द विलेज और स्किल्स एंड एक्सपीरियंस तो भले अभी लंबे समय से वो फेलियर को फेस कर रहा है बट उसके बावजूद गांव वाले सैंटियागो की काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो एक ओल्ड मैन है और ओल्ड पीपल आर ऑलवेज हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस उनके पास अनुभव होता है जीवन का और साथ में स्किल्स क्योंकि वो एक फ़िशरमैन है उसके पास फिशिंग स्किल्स है और इन सब कारणों से लोग उसको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं हिज ओनली कंपेनियन इज़ मैनोलिन अ यंग बॉय हु यूज टू अ यंग बॉय हु यूज टू बी सैंटियागो डिवोटेड अप्रेंटिस अंटिल हिज पेरेंट्स इंसिस्टेड दैट ही लीव द ओल्ड मैन ड्यू टू हिज परसिव्ड बैड लक तो इसका एक मात्र कंपेनियन है मैनोलिन जो कि एक यंग बॉय है और वो सैंटियागो का डिवोटेड अप्रेंटिस हुआ करता था अप्रेंटिस यानी लर्नर जब किसी प्रोफेशन को कोई सीखता है बिगिनर होता है तो उसको बोलते हैं अप्रेंटिस तो फिशिंग स्किल्स को मैनोलिन uh, जो है वो सैंटियागो से सीख रहा था और वो एक डिवोटेड अप्रेंटिस था यानी वो काफ़ी uh, भक्त था सैंटियागो का काफ़ी डिवोटेड था उसके प्रति अंडर हिज पेरेंट्स तो ये जो लड़का है मैनोलिन इसके पेरेंट्स इसको सैंटियागो से अलग ले जाते हैं कहीं और क्योंकि सैंटियागो काफ़ी लंबे समय से बैड लक फेस कर रहा था एक भी फिश नहीं पकड़ रहा था तो इसके जो पेरेंट्स हैं वो इसको यहाँ से ले जाते हैं मतलब वहाँ से हटा देते हैं और किसी और काम में किसी और फिशरमैन से हेल्प लेने के लिए या सीखने के लिए ले जाते हैं despite being separated, Manolín still cares deeply for Santiago and visits him every night. तो so, uh, separate होने के बावजूद Manolín अभी भी Santiago की काफी care करता है और उसको visit करता है हर रात को। इन दोनों के बीच में एक गहरा bond है और Manolín जो है वो Santiago को उसके daily chores, daily के काम में help भी करता है। Santiago often shares his dreams and experiences with the boy. सेंटियागो अपने सपनों को अपने अनुभवों को इस बच्चे के साथ बांटता है और ये दोनों रेमिनस करते हैं रिकलेक्ट करते हैं याद करते हैं सेंटियागो के उन ग्लोरीफुल दिनों को जब वो एक स्किल्ड और सक्सेसफुल फ़िशरमैन हुआ करता था उन दिनों को ये लोग बैठ कर याद करते हैं अब है सेंटियागोज़ रिजॉल्व तो रिजॉल्व मतलब क्या होता है रिजॉल्व का मतलब है डिसीजन जो कि आप काफ़ी डिटर्मिनेशन और विल पावर के साथ लेते हैं उसको बोलते हैं रिजॉल्व, जैसे कि लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं उसी तरह ऑन द एटी फिफ्थ डे तो एटी फोर डेज़ ऑफ बैड लक के बाद एटी फिफ्थ डेज एंटिया को ये डिसाइड करता है कि उसको वेंचर करना है उसको रिस्क लेना है और गल्फ स्ट्रीम में जाना है ताकि उसका ये जो लक है जो बैड लक है वो ख़त्म हो और वो एक बड़ा सा फिश पकड़ सके ही टेक्स हि स्मॉल बोर्न आउ स्कीफ एंड सेट सेल अलोम तो वो अपना छोटा बोट लेता है जो कि काफ़ी घिस चुका था स्किफ इज़ अ स्मॉल बोट तो उसको वो लेता है और अकेले निकल पड़ता है डेटमिन टू प्रूव हिज़ वर्थ वो इस बात को प्रूव करना चाहता था कि वो कितना अच्छा फिशरमैन है एक बार फिर से सेंटियागो को सी के अनप्रडिक्टेबल नेचर का एक बहुत गहरा समझ था और वो उसके पावर को रिस्पेक्ट करता था नेचर इज़ अनप्रडिक्टेबल सी इज़ अनप्रडिक्टेबल कब नेचर जो है वो वायलेंट हो जाता है कब सुनामी अर्थ और uh, इस तरह के नेचुरल कलामिटीज़ आ जाते हैं ये कोई डेफिनेट तौर पे प्रडिक्ट नहीं कर सकता है और सैंटियागो को क्योंकि वो एक फ़िशरमैन था सी के साथ वाटर बॉडीज़ के साथ उसका काफ़ी uh, लेना देना था तो उसको सी के अनप्रडिक्टेबल नेचर का समझ था और वो इस पावर को इस नैचुरल uh, पावर को रिस्पेक्ट करता था एज सेंटियागो सेल्स डीपर इन टू द गल्फ स्ट्रीम ही एनकाउंटर्स वेरियस सी क्रिएचर्स सच एज डोल्फिन एंड फ्लाइंग फिश तो जैसे गल्फ स्ट्रीम में वो गहरे गहरा जाता है सेंटियागो वो एनकाउंटर करता है बहुत सारे सी क्रिएचर्स को बहुत सारे सी क्रिएचर्स को देखता है जैसे कि डॉल्फिन्स फ्लाइंग फिश और ये जो सारे एनकाउंटर्स हैं सी क्रिएचर से वो उसके ओशन के साथ कनेक्शन को और गहरा करते हैं और वो रिफ्लेक्ट करता है मेडिटेट करता है अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में और ऑन द सॉलिटरी नेचर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस एज अ फिशरमैन तो सॉलिटरी नेचर देखिए सॉलिटरी और लोनली में फ़र्क होता है लोनली यानी अकेला लेकिन सॉलिटरी यानी एकांत प्रेमी लोलिनीस यानी अकेलापन लेकिन सॉलिट्यूड यानी एक ऐसा अकेलापन जिसमें आपको बहुत आनंद मिलता हो तो एक फिशरमैन होने के नाते उसका काफ़ी लंबा जो समय है काफ़ी अब तो वो बूढ़ा हो चुका है तो काफ़ी ईयर्स उसने इसी तरह सी के इर्द गिर्द बिता दिए तो नेचर के अगल बगल ही वो रहा है तो इसीलिए वो एक एकांत प्रेमी व्यक्ति है वो उसको नेचर के साथ अच्छा लगता था और वो इस काम को इस काम को करने में फ़िशिंग के काम को करने में उसको अच्छा लगता था इसीलिए सॉलेटरी वर्ड का यूज़ किया गया है नाउ द बैटल विद द मार्लिन आफ्टर अ डी डे एट सी सैंतीगो फील्स द पावरफुल टग ऑन हिज फिशिंग लाइन तो एक दिन बिता चुका है वो सी में गल्फ स्ट्रीम में गहरा उतरा हुआ है और एक दिन बीत चुका है और सैंटियागो को अपने फ़िशिंग लाइन में एक पावरफुल टग एक पावरफुल पुल खिंचाव महसूस होता है और उसको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई बड़ा सा जो मार्लिन है जो कि एक बहुत ही मैग्निफिशिएंट और चैलेंजिंग फिश होता है वो उसके फिशिंग uh, लाइन के uh, नज़दीक है द मार्लिन पुल सैंटियागो स्किफ थ्रू द वाटर फॉर टू डेज तो मार्लिन जो है वो सैंटियागो के बोट को पुल कर रहा था दो दिनों तक और वो मार्लिन जो है वो इस बूढ़े आदमी की स्ट्रेंथ डेटर्मिनेशन और एंड्योरेंस की हद का टेस्ट ले रहा था स्ट्रेंथ uh, यानी शक्ति डेटर्मिनेशन यानी विल पावर और एंड्योरेंस यानी टॉलरेट करना तो कितना वो ये सारी क्वालिटीज़ कित कि, किस हद तक थी किस मात्रा में थी इस सेंटियागो के भीतर वो मार्लिन जो कि मैग्निफिशेंट और चैलेंजिंग फिश है वो इस बात का टेस्ट ले रहा था सेंटियागो जो है वो एक भयानक बैटल में आ, एंगेज करता है इस फिश के साथ आ, स्ट्रगल करते रहता है कि उसका जो फिशिंग लाइन है वो इंटैक्ट रहे डिस्पाइट हिज एग्जॉशन एंड पेन यानी अपने थकान और दर्द के बावजूद एग्जॉशन यानी थकान सेंटियागो रिजोल्यूट रहता है डेटमिन रहता है कि हमको ये काम करना ही है हमको ये फिश पकड़ना ही है रिफ्यूजिंग टू लेट गो ऑफ हिज कैच वो मार्लिन को जाने नहीं देना चाहता था और वो मार्लिन को एक वर्दी अपोनेंट समझता है एक आ, दुश्मन जो कि उस इस स्ट्रगल का आ, मतलब वर्दी अपोनेंट अच्छा दुश्मन जो कि इस स्ट्रगल के योग्य है एंड रेस्पेक्ट्स इट स्ट्रेंथ एंड विल टू सर्वाइव और वो इस मार्लिन का जो स्ट्रेंथ था और जो इस मार्लिन का इच्छा शक्ति था सरवाइव करने के लिए क्योंकि वो भी तो ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है वो मार्लिन भी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है और ये फ़िशरमैन भी ज़िंदगी के लिए लड़ रहा है लेकिन फ़िशरमैन इतने अनलकी इतने पुअर वीक और इस समय हंगरी होने के बावजूद अपने अपोनेंट मार्लिन जो कि एक मछली है एक बड़ा सा मछली है उसको एक वर्दी अपोनेंट समझ रहा है और उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है कि वो कितना शक्तिशाली है और उस इस बात का कि कितने कितने विल पावर के साथ वो अपने लाइफ को डिफेंड कर रहा है थ्रू आउट द स्ट्रगल सेंटियागोज थॉट्स फ्रीक्वेंटली टर्न टू मैनोलिन नोइंग दैट द बॉय वुड बी प्राउड ऑफ हिम फोर नॉट गिविंग अप तो बार बार जब वो ये स्ट्रगल कर रहा था उस दौरान सैंटियागो के विचार बार बार मैनोलिन की तरफ चले जा रहे थे कि जब वो इस मार्लिन को पकड़ के ले जाएगा तो मैनोलिन कितना खुश होगा और कितना गर्व महसूस करेगा उसके इस अचीवमेंट पर द बॉन्ड विद द मार्लिन एज द बैटल कंटिन्यूज सेंटियागो डेवेलप द यूनिक बॉन्ड विद द मार्लिन तो ये जो आर्मी है सेंटियागो वो बहुत ही अच्छा आदमी है क्योंकि इसका जो बॉन्डिंग है मैनोलिन के साथ वो भी बहुत स्ट्रोंग है डीप है फिर नेचर के साथ नेचर का भी इसको बहुत गहरा समझ है और ये नेचर के भी फोर्सेज को पावर को रिस्पेक्ट करता है और अब मार्लिन जो कि इसका एक प्रे है या इस, इसके लिए कितना ज़रूरी है इस समय एक फूड आइटम की तरह है इसके लिए उसको भी ये रिस्पेक्ट कर रहा है और उसके साथ भी एक बॉन्ड बना ले रहा है सैंटिया को डेवलप्स अ यूनिक बॉन्ड विद द मार्लिन ही एडमायर्स द फिश विल पावर एंड स्पिरिट फीलिंग अ सेंस ऑफ किनशिप विद द क्रिएचर किनशिन किनशिप का मतलब होता है रिलेशन संबंध तो इसका संबंध मार्लिन के साथ भी बन गया है और ये एडमायर कर रहा है कि ये जो फिश है उसमें कितनी इच्छा शक्ति है कितने कितना शक्ति है कितना लाइफ एनर्जी के साथ वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है सेंटियागो टॉक्स टू द मार्लिन ये बातें भी करता है अपने फाइट के दौरान मार्लिन से और एक्सप्रेस करता है कि वो कितना एडमायर कर रहा है उसके विल uh, पावर को उसके डिटमिनेशन को उसके स्ट्रगल को और माफ़ी भी मांगता है एपोलोजाइज भी करता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये जो बैटल है ये इसको करना पड़ रहा है क्योंकि ही इज़ हंग्री और उसको रिक्वायरमेंट है इस फिश का तो वो ये फाइट uh, करते समय इस मार्लिन से माफ़ी भी मांग रहा है कि आई हैव टू हंट यू बिकॉज़ आई एम एम डेस्परेटली हंग्री During the लॉन्ग hours ऑफ फ़ाइटिंग सेंटियागो reflects ऑन मेमोरीज ऑफ lions ऑन the beaches ऑफ अफ्रीका तो फाइटिंग के दौरान सैंटियागो अपने अफ्रीकन बीचज अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकलेक्ट कर रहा है कि कैसे अफ्रीका में बीच में लायंस के साथ अब कोई ना कोई इसका मेमरी है लायन के साथ जिसको कि यहाँ पर रिकलेक्ट करता है और ये इस मार्लिन को कैच करने के एक्सपीरियंस को मैनोलिन से शेयर करना चाहता है तो ये सक्सेस के लिए ये ऑलरेडी ख़ुद को इमेजिन कर रहा है एज अ सक्सेसफुल पर्सन कहते हैं कि अगर आपको रियल में सक्सेसफुल होना है तो आपको पहले इमेजिन करना चाहिए कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं पॉजिटिव रहना चाहिए तो यहाँ पे सैंटियागो कितना पॉजिटिव है वो बार बार ये सोच रहा है उस स्ट्रगल के दौरान कि जब मैं ये बात अपने सक्सेस का बात मैनुलन को बताऊँगा तो वो कितना खुश होगा और कितना प्राउड महसूस करेगा सो ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड ही ऑल्सो बैटल्स द हार्स एलिमेंट्स ऑफ द सी इंक्लूडिंग हंगर थर्स्ट एंड फैटी तो यहाँ पर सैनडियागो किन किन चीज़ों से संघर्ष कर रहा है पहले तो वो बूढ़ा आदमी है और काफ़ी वीक है वीदर्ड है और अभी वो गहरे समुद्र में हैं तीन दिन तो हो गए हैं क्योंकि जैसे कि इसमें लिखा गया है वन डे एंड देन अगेन टू डेज तो इतने लंबे समय से ये पानी में है ठंड महसूस कर रहा होगा भूखा है प्यासा है और फैटी बहुत थक चुका होगा क्योंकि लगातार स्ट्रगल कर रहा है एंड ये कितना बूढ़ा और वीक है तो इन सब चीज़ों से सैंटियागो जो है वो संघर्ष कर रहा है डिफीटिंग द शार्क्स सेंटियागोज विक्ट्री सीम्स विद इन रीच बट इस ट्रायल्स आर फार फ्रॉम ओवर तो सैंटियागो का जो जीत है वो नज़दीक है लेकिन इसके जो प्रयास है वो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं as he finally manages to kill the marlin and lash it to the side of his skiff he notices the presence of <coughs> sharks तो ये मार्लिन को किल uh, करता है और उसके बाद इसको अपने जो बोट है उसमें एक साइड बांधता है पर वो तभी देखता है कि कहाँ से shark आ गए हैं. the blood from the dead marlin has attracted a group of voracious sharks तो क्योंकि बैटल के दौरान ये जो सैंटियागो है ये मार्लिन को आ, हंट कर रहा था तो उसका काफ़ी खून बहा होगा और उसी खून की वजह से डेड मार्लिन के उसी खून की वजह से काफ़ी सारे शार्क्स आ गए हैं इस फिश को खाने के लिए वो रैशेज यानी वेरी हंग्री विच बिगिन अटैकिंग सैंटियागोस प्राइज्ड कैच तो कैच सैंटियागो ने क्या पकड़ा है मार्लिन और प्राइज्ड क्योंकि काफ़ी बहादुरी का काम किया है जिसके लिए इसको एक प्राइज़ मिलना चाहिए इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइज्ड कैच ठीक है तो ये जो है शार्क्स ये अटैक कर रहे हैं सैंटियागो के प्राइज्ड कैच को यानी सैंटियागो के मारे हुए मार्लिन को डेटमिन टू प्रोटेक्ट हिज हार्ड वन ट्रायम्प ट्रायम्फ यानी जीत तो अपने इस मुश्किल से मिले हुए जीत को अपने इस मुश्किल से मिले हुए मार्लिन को प्रोटेक्ट करने के लिए सैंटियागो हारपून का इस्तेमाल करता है हारपून एक भाला होता है मछलियों को पकड़ने के लिए और एक मेक शिफ्ट वेपन का यूज करता है टू फेंड ऑफ़ द शार्क्स फेंड ऑफ यानी डिफेंड प्रोटेक्ट करने के लिए शार्क से मार्लिन को ही फाइट्स वैलियंटली बट रियलाइज दैट द शार्क्स आर ग्रेजुअली स्ट्रिपिंग द मार्लिन ऑफ इट्स फ्लैश वैलियंटली काफ़ी बहादुरी के साथ वो लड़ाई करता है बट उसको रियलाइज़ होता है कि शार्क्स जो है वो एक्चुअली मार्लिन के ज़्यादातर फ्लैश को क्या कर रहे हैं स्ट्रिप ऑफ कर रहे हैं खा जा रहे ले जा रहे हैं सेंटियागो को पता है कि उसको प्रोटेक्ट करना है मार्लिन को और रिमेन्स ऑफ मार्लिन को लेकर जाना है गांव में वापस ताकि गांव वाले इस बात को जान सके समझ सके कि सेंटियागो ने कुछ अचीव किया सेंटियागो ने कुछ करेजियस Uh, काम किया है आफ्टर अ लॉट ऑफ बैड लक वो प्रूव करना चाहता है गांव वालों के सामने कि वो अभी भी कितना स्किलफुल <coughs> है पावरफुल है हार्ड वर्किंग है और गुड लक लकी पर्सन है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि लोग उसे अनलकी समझें नाउ रिटर्न टू द विलेज दिस सेंटियागोज एफर्ट्स द शार्क्स इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मोस्ट ऑफ द मार्लिन तो इतने सारे एफर्ट्स के बाद भी शार्क्स जो हैं वो मार्लिन का जो मोस्ट ऑफ द फ्लैश है सबको डिस्ट्रॉय कर चुके हैं सबको खा चुके हैं और केवल अब स्केलेटन कंकाल बचा है मार्लिन का एग्जॉस्टेड काफ़ी टायर्ड हो चुका है और एक हैवी हार्ट एक आ, भरे आ, उसका जो हृदय है वो पूरा भरा हुआ है ऊपर तक हीवी हार्ट एंड सेंटियागो सेट सेल फॉर होम तो सेंटियागो जो है वो घर के लिए जा रहा है और ड्यूरिंग इस जर्नी बैक उसको आ, फील होता है कि वो जो मार मार्लिन वो लेकर जा रहा है गांव वापस वो अब बस एक स्केलेटन ही है कंकाल ही है एज अ टेस्टामेंट टू हिज एकम्पलिशमेंट सबूत है उसके अचीवमेंट का उसके एकम्प्लिशमेंट का, का कि उसने कुछ आ, हार्ड वर्क कुछ ग्रेट वर्क ब्रेव काम किया है द नावल ऑल्सो एम्प्लॉयज़ वेरियस सिम्बल्स टू कन्वे डीपर मीनिंग्स इस नोवेल में बहुत सारे सिम्बल्स का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि कुछ गहरे चीज़ों को सामने लाया जा सके द मार्लिन सिम्बलाइज स्ट्रेंथ ब्यूटी एंड द forces ऑफ़ नेचर तो मार्लिन क्या सिम्बलाइज करता है मार्लिन सिम्बलाइज करता है शक्ति ब्यूटी और नेचर का फोर्सेस क्योंकि मार्लिन भी तो एक नेचुरल क्रिएचर है और शार्क्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं शार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रक्टिव एक्सटर्नल फोर्सेस जो किसी के अचीवमेंट को थ्रेटन करते हैं जब भी कोई भी आ, इन जनरल जब भी कोई इंसान कुछ अचीव करना करना चाहता है तो उस दौरान उसको कुछ एडवर्सिटीज़ को फ़ेस करना होता है कुछ डिफिकल्टीज़ को फ़ेस करना होता है और के, के केस में शार्क्स उसी डिफ़िकल्टी का नाम है सेंटियागोज रिलेशनशिप विद द सी हाईलाइट द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर तो जिस तरह सेंटियागो सी का समझ रखता है सी के अनप्रडिक्टेबल नेचर का और उसके पावर को रिस्पेक्ट और एडमायर करता है तो ये बतलाता है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच में कितना गहरा बॉन्डिंग है संबंध है कनेक्शन है और वो इस इस आइडिया को एम्फोसाइज करता है कि नेचर मस्ट बी रेस्पेक्टेड एंड नॉट कॉन्कर्ड नेचर इज़ लाइक मदर एंड इट के नॉट बी कॉन्कर्ट बाई एनी ह्यूमन बींग तो इसलिए नेचर शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड इन कंक्लूजन द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ द टाइमलेस टेल ऑफ एंड्योरेंस रेजिलियंस एंड द ह्यूमन स्पिरिट स्ट्रायम्स ओवर एडवर्सिटी तो ओल्ड मैन एंड द सी एक टाइमलेस टेल है चाहे समय कोई भी हो चाहे कोई भी ज़माना रहे इन पास्ट में भी देख लीजिए या फ्यूचर में भी तो इंसान को हमेशा संघर्ष करते ही रहना पड़ेगा कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज़ होगा कुछ ना कुछ एडवर्सिटीज़ होगा लाइफ में जिसको ओवरकम करके सक्सेस को अचीव करना है ये हमेशा जो दैट इज़ वाई इट इज़ अ टाइमलेस टेल टाइमलेस स्टोरी ऑफ एंडोरेंस रेजिलियंस एंड ह्यूमन स्पिरिट्स ट्रायम्फ यानी जीत ओवर एडवर्सिटी यानी डिफिकल्टी हेमिंग masterful storytelling स्टोरी टेलिंग rich विथ रिच themes एंड थीम्स this सॉलिडिफाइड दिस as स्टेटस classic अ literature इन लिटरेचर हेमिंग ने काफ़ी स्किलफुली इस स्टोरी को नायरेट uh, किया है डिस्क्राइब किया है और इसमें काफ़ी सारे सिंबल्स हैं काफ़ी सारे मेन थीम्स हैं सब्जेक्ट मैटर हैं जो कि इस नॉवेला को एक क्लासिक बनाते हैं लिटरेचर में और ये रीडर्स पर एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ते हैं वर्ल्ड वाइड यानी लोग इस नोवेल को पढ़ने के बाद काफ़ी लंबे समय तक भूल नहीं पाते हैं इट लीव्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स तो फ्रेंड्स ये था द ओल्ड मैन एंड द सी का समरी और ये जे एस एस सी के कई सारे एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल प्रूव हो सकता है आपके लिए इफ़ यू हैव अप्लाइड जैसे कि जे एस एस सी टी जी टी टीचिंग के लिए जो एग्ज़ाम है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उसमें ये ऑप्शन पेपर टू है जैसे कि आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं इंग्लिश हिंदी भोजपुरी कुछ भी उर्दू एक्सेट्रा तो उसमें अगर आप इंग्लिश चूज़ करते हैं देन यू हैव टू रीड और ये आपको नॉविला पढ़ना होगा और इसके अलावा और भी कुछ नावल्स हैं कुछ पांच सात नावल्स हैं प्लेज हैं पोएम्स हैं शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और लैंग्वेज में भी नेशन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं इडियम्स तो इस तरह की सारे चीज़ों को हम कवर करेंगे और ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नहीं है इसका जो मार्क्स है वो जुड़ेगा तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन दैट रिस्पेक्ट और साथ में जे एस एस सी टी जी टी के अलावा जे एस एस सी सी जी एल के भी एग्ज़ाम में सेम पेपर है सेम कंटेंट है सिलेबस का और जे एस एस सी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के एग्ज़ाम्स में भी सेम सिलेबस है तो इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर एनी वन ऑफ दोज एग्ज़ाम्स देन इट इज़ गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू सो so, आपको इस uh, मैं इस पूरे कोर्स पे वीडियोस बनाऊंगी एंड uh, लगभग दो महीने में पक्का ये कंप्लीट हो जाएगा कुछ लेक्चर्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे बट इफ़ यू वांट टू गेट ऑल द लेक्चर्स ऑफ ऑल द कंटेंट देन यू विल हैव टू बाय द कोर्स एंड द प्राइस रुपीज़ वन थाउजेंड सो होप दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर वी Useful for you. Keep watching. Thank you, friends.